अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक पिटाई प्रकरण में हापुड़ के अधिवक्ताओं द्वारा आंदोलन में समर्थन मांगने और जनपद न्यायालय कानपुर देहात माती में स्थापित हुए 10 वर्ष बीत जाने के बावजूद अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण न होने से आहत अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम कटियार, महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया, वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में न्यायिक कार्य से व्रत रहे जनपद न्यायालय परिसर में सांकेतिक धरना दिया। यह बात सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताई। जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलन हापुड़ के पीड़ित अधिवक्ताओं के साथ घटी घटना को लेकर खड़ा हुआ, किंतु मुख्य मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पर प्रभावी कदम न उठाने से हापुड़ सहित पूरे प्रदेश का अधिवक्ता निराश और आक्रोशित है और इसी लिए प्रदेश के बहुत सारे जिलों में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से व्रत है। जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हापुड़ की घटना को लेकर बार काउंसिल ने आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया था, किंतु आम अधिवक्ता मुख्य मांगों पर कार्यवाही प्रारंभ न होने से आक्रोशित है। मुलायम सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं के चैम्बरों का निर्माण न होने से अधिवक्ता न सिर्फ बड़े आंदोलन को बाध्य है बल्कि न्यायालय परिसर में खुली भूमि में अस्थायी चैम्बर बनाकर उसमें बैठने को बाध्य होंगे। एकीकृत बार एसोसिएशन अध्यक्ष राधेश्याम कटियार व महामंत्री संजय सिंह सिसोदिया ने कहा कि हापुड़ के अधिवक्ताओं ने समर्थन मांगने और अधिवक्ताओं के चैम्बरों के निर्माण की आज तक से आश्वासनों के अलावा प्रभावी कार्यवाही न होने के कारण अधिवक्ताओं न्याय कार्य से व्रत रहे आंदोलन को बाध्य है। कहा कि अधिवक्ताओं के चैम्बरों के निर्माण के लिए जिलाधिकारी के खाते में 2 लाख से अधिक रुपया एक दशक के पहले से पड़ा होने के बावजूद आज तक न तो चैम्बर निर्माण हुए न चैम्बरों के निर्माण हेतु भूमि का आवंटन हुआ, जो कि अधिवक्ताओं के भीषण आक्रोश का कारण लगातार बना हुआ है और आम अधिवक्ता बार संघों के नियंत्रण से बाहर हो न्यायालय परिसर की भूमि से चैम्बर निर्माण के लिए अब आंदोलित होने लगा है और यदि शीघ्र मांगे नहीं मानी गई तो अधिवक्ताओं के आक्रोश को संभालना मुश्किल होगा। आंदोलन में प्रमुख रूप से जिला बार एसोसिएशन कार्यवाहक महामंत्री घनश्याम सिंह राठौर, संपत लाल यादव, विश्वनाथ कटिया, हरिशन चतुर्वेदी, मोहम्मद आशिफ, राजकिशोर दोहरे, सुरेंद्र पाल, सर्वेंद्र सिंह, जितेंद्र बाबू, महेंद्र सिंह, दीपक पांडे, राजेंद्र द्विवेदी, सुभाष यादव, विश्वनाथ सिंह, विशाल मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, दीपक यादव, अनुज भदौरिया, यदुराज सिंह, विकास सविता, सुधीश पाल, अजीत सिंह, चिनेत कुरैसी, सद्दाम अली, योगेंद्र प्रताप सिंह चौहान, रमेश चंद्र गौड़, आनंद स्वरूप शुक्ला, वीरेंद्र पाल, अशोक वीरेंद्र कटियार, राजपाल संदीप पांडे रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल से विजय शंकर कौशल की रिपोर्ट।